अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? ओके, टुडे इज़ द सेकंड लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर ऑन रिपोर्ट राइटिंग. वी डिस्कस व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट आर द काइंड ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन द फर्स्ट लेक्चर इन फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर. एंड इन टुडेज़ लेक्चर विच वी आल्सो हैव डिस्कस इन द क्लासरूम वाइल द कॉलेजेस वर ऑन. And still I'm revising the topic for the sake of getting some connection with the previous topics and moving the course further. Status report. What is status report? Status report is such a report in which we tell the current progress made in a certain project. It does mean how much progress you have achieved or have done on a certain project. For example, if we take BS as a project which is introduced in our colleges as well, it is the status of BS is a project, right? It is being run as a project in the colleges. If we are to give a report of this BS project to any higher authority or high apps, if our principal of the college is supposed to give a report of BS as a project to PMU, Project Management Unit, Peshawar, or to HSC, or to any other higher authority, or to university. So they will give the report in the, they will give the details in the form of a report in which he will or she will discuss the details of the report. So there are four parts of the report as we discussed in the previous lecture as well. Which are introduction, body, recommendations and supplementary material. These are the four parts. So here also in the first part of the weekly status report, we have these three things. It is a very, very short first part. First part can also be sometimes very large when it includes some other things like cover letter, memo, or table of contents, summary, abstract. Like thing, अगर उस तरह की चीज़ें होंगी तो इट विल बी वेरी लॉन्ग. अदरवाइज इंट्रोडक्शन इज क्वाइट अ शॉर्ट पार्ट. तो यहाँ पे भी एक इट कंटेन्स वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, वेरी कंसाइज इंफॉर्मेशन. द थ्री थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट पार्ट इन दैट इज इंट्रोडक्शन आर टू. टू डज मीन के टू हुम यू आर राइटिंग, आप किसको लिख रहे हैं. तो हेयर टू इज इलीन जैकबसन, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग. एंड द सेकेंड इज सबमिटेड बाय, यानी आप अपना नाम लिखेंगे जो बंदा प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट लिख रहा है. हेयर इज जहाँ इन्होंने दिया हुआ जिल हैंकॉक, प्रोजेक्ट मैनेजर. थर्ड थिंग इज डेट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. हेयर इन द सर्कुलर, इन द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द सर्कल, इट आल्सो टेल्स अस इंट्रोडक्शन. नोटिस डैट द इंट्रोडक्शन कैन बी वेरी सिंपल. दिस इंट्रोडक्शन इज बेसिकली अ हेडिंग, यानी हेडिंग भी हो सकती है, लेकिन इट कैन, हमने जब पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट डिस्कस किए थे, वी आल्सो डिस्कस दैट इंट्रोडक्शन कैन आल्सो बी वेरी लेंथी, राइट. यूजुअली इट इज़ शॉर्ट, बट इट कैन आल्सो बी वेरी लेंथी जब आप उसमें कवर लेटर अगर वो मांगें वो पुट करें, अगर मेमो पुट करनी पड़ जाए, या बाकी चीज़ें जो मैंने अभी बता दी हैं वो. सेकेंड पार्ट इज शेड्यूल. सेकेंड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इज एक्चुअली बॉडी, और बॉडी में यहाँ पे हेडिंग्स एंड डिफरेंट, जिसमें है शेड्यूल एंड वी आल्सो हैव बजट, टास्क कम्प्लीटेड सिंस लास्ट रिपोर्ट, टास्क प्लान फॉर नेक्स्ट वीक, यानी ये हमारे प्रॉब्लम्स आर कमेंट्स, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट में हेडिंग है. तो लेट्स चेक आउट व्हाट इज रिटन अंडर द शेड्यूल और द सेकेंड हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट. शेड्यूल में यानी आपने बताना है कि व्हाट इज़ यूर प्लान और शेड्यूल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन दिस स्टेटस रिपोर्ट. यानी आप बता रहे हैं कि वी डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉब्लम कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल एज लॉन्ग एज मटीरियल्स कंटिन्यू टू कम इन एज प्लान्ड. यानी आप बता रहे हैं कि वी आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स एज फार एज द मटीरियल्स आर कमिंग एज प्लान्ड, यानी जब तक आपको मटीरियल्स यानी जो प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, जो फंड्स चाहिए या मटीरियल चाहिए, वो जब तक टाइम पर आ रहा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ये फर्स्ट हेडिंग होगी बॉडी यानी सेकेंड पार्ट ऑफ रिपोर्ट के अंदर. और सेकेंड हेडिंग अंडर द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इज़ बजट. यानी आप बजट की डिटेल्स यहाँ पे देंगे,
here the writer of the report tells us that finances are on target for the moment. We have spent 45% of our budget for the project and are about 38% done with the project. इन्हें बताया जा रहा है कि फाइनेंसिस बिल्कुल टारगेट पे हैं, हमने अपना 45% काम कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट का और 38% प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. 45% बजट लगा करके 38% तकरीबन प्रोजेक्ट का काम भी हो चुका है. ओके, थर्ड हेडिंग इज टास्क कंप्लीटेड सिंस लास्ट रिपोर्ट. आप बताते हैं जो आपने लास्ट रिपोर्ट लिखी थी उसके बाद अभी तक कितना टास्क आपने कंप्लीट कर लिया है. अब बताते हैं, आवर टीम सेंड आउट क्वेश्चनेयर्स टू 1000 कस्टमर्स आस्किंग देम अबाउट देयर सेटिस्फेक्शन लेवल विद द प्रोडक्ट. यानी आपने 1000 क्वेश्चनेयर्स बना करके क्वेश्चंस की शक्ल में 1000 कस्टमर्स को भेजे हैं, उसमें आप उनकी उनकी राय ले रहे हैं कि कितने वो मुतमिन हैं आपकी इस प्रोडक्ट से जो भी आप प्रोडक्ट कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं. यानी अगर आप BS को एज अ प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप फिर अपने BS के प्रोजेक्ट को यानी वो फिर लोगों को भेजेंगे, कस्टमर्स को, वालदैन को, बच्चों को, कि हाँ जी आप बताएं कि आप कितने इस प्रोजेक्ट से कितने सेटिस्फाइड हैं और कितने नहीं हैं. फिर सेकंड थिंग इज़ वी सेट अप 10 आउट ऑफ 20 कस्टमर इंटरव्यूज प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ. यानी आपने 20 में से तकरीबन 10 इंटरव्यू सेट कर लिए हैं नेक्स्ट मंथ के लिए. वी आउटलाइन द प्रोडक्ट सैम्पल्स नीडेड फॉर द कस्टमर इंटरव्यूज़. आपकी जो प्रोडक्ट सामने लानी है कस्टमर के इंटरव्यूज़ के लिए वो आपने आउटलाइन कर लिया है. यानी ये टास्क आपने कंप्लीट किया है जो आपने लास्ट रिपोर्ट दी थी उसके बाद अभी तक. अगर इसे आप अगर कन्वर्ट करें BS एज अ प्रोजेक्ट में तो आप फिर बताएंगे कि हाँ जी आप फिर क्वेश्चनर्स भेजेंगे स्टूडेंट्स को, तकरीबन 1000 कस्टमर कुछ लोगों को आप भेज देंगे, उनके वालदैन को, बच्चों को, उनकी सेटिस्फेक्शन चेक करने के लिए. फिर कुछ बच्चों को आप सैंपल के तौर पर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं. फिर उसमें जी आप कुछ जो आप सेलेक्ट करते हैं उनमें से कुछ का इंटरव्यू लेते हैं. यानी यू MBS को एज अ प्रोजेक्ट एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे ये अपने प्रोजेक्ट एग्जांपल दे रहा है बंदा. ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज टास्क प्लान फॉर नेक्स्ट वीक. वो तो वो पिछला टास्क वो था जो आपने कंप्लीट कर लिया था लास्ट रिपोर्ट के बाद जब तक, और ये टास्क है जब यू आर गोइंग टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीक, जो आप बता रहे हैं हाँ जी नेक्स्ट वीक में हम ये काम करेंगे. अरेंज द रिमेनिंग 10 इंटरव्यूज विद कस्टमर्स प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ. यानी आपके जो 10 रिमेनिंग बंदे रह गए थे जो आपने आउटलाइन किए थे उनके आप इंटरव्यूज लेंगे नेक्स्ट मंथ में. स्टार्ट गेटिंग टुगेदर फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चंस यू विल यूज. आप जो इंटरव्यू में जाहिर है जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आप पुल अप करने आपसे स्टार्ट करेंगे. यू आर गोइंग टू पुल अप द क्वेश्चंस फॉर द क्वेश्चनर्स, ठीक है, फॉर इंटरव्यूज विच यू आर गोइंग टू आस्क द कस्टमर्स विच यू हैव सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यूज. ओके, थर्ड थिंग इज ऑर्डर द प्रोडक्ट सैंपल्स नीडेड फॉर द इंटरव्यू. यानी आप को जो सैंपल चाहिए यू हैव ऑर्डर दो सैंपल्स, उन्हें ऑर्डर कर लिया है आपको. यानी जो प्रोडक्ट अगर आप कोई मोबाइल प्रोड्यूस कर रही है कंपनी तो मोबाइल के प्रोडक्ट कर लेगी. आप BS को एज अ प्रोजेक्ट लेते हैं तो ठीक है आप स्टूडेंट सैंपल के तौर पर ले लेंगे. ओके, मेक द ट्रैवल अरेंजमेंट्स फॉर सिंडी एंड जॉर्जिया टू गो टू द इंटरव्यू साइट्स. आपने जहाँ इंटरव्यू जहाँ पर जिन साइट्स पर जिन जगहों पर रखना है उनकी अरेंजमेंट भी आपने कर लिया है. और लास्ट थिंग इज़ प्रॉब्लम्स आर कमेंट्स, कहते हैं नन एट दिस टाइम, कोई भी नहीं है. तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेटस रिपोर्ट. अब स्टेटस रिपोर्ट में ये दो पार्ट इसमें डिस्कस किए हुए थे. तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो इन दिस रिपोर्ट यू आर एक्चुअली गोइंग टू गिव अ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय. यू आर गोइंग टू टेल the readers about you are going to evaluate an employee's performance over a period of time. Then you have to tell them how was the employer which you have hired, all right, which you tethered for some work, his performance was like that. You will follow the same process. You will follow the same process. You will follow the four different parts of the report: introduction, body, recommendation, and supplementary material, blah, 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 whatever you need. So, here in the first part, that is introduction, we have employee name, that is Sharmila Chaudhary, employee social security number, which is being used in America. Here we use NIC number, and employee title, the summer internee, yani summer intern, summer ke liye aapne employee ko rakha tha, to isliye sample intern keh rahe. Supervisor's name and title, uska supervisor jo tha Elaine Wallace, director of customer support. Period covered, yani is period se 2001 se lekar ke मई 15 से लेकर के अगस्त 15 2001 की उसने काम किया आपके साथ. सो ये इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें होंगी. सो सेकंड पार्ट इज़
body of the report. Body of the report contains some kind of summary or the details of the report. It actually stems the whole report, right? It contains all the main information which are needed for telling the customers. Okay. Sorry, actually I have to pause the video because somebody came in my room. Anyway, the second part of the report, that is body. Here in the body we discuss the summary of the performance of the employee. जो आपने employee hire किया है उसकी summary बताते हैं performance की. हम बताते हैं इसमें बता रहा है कि शर्मिल वॉज वेरी एफिशिएंट दिस समर इन गैदरिंग एंड कंपाइलिंग डेटा फ्रॉम अवर अदर ऑफिसेज. द डेटा शी कंपाइल इज वैल्यूएबल फॉर अवर ग्लोबल कस्टमर सपोर्ट प्रोजेक्ट एंड विल बी यूज्ड टू बेटर मीट अवर कस्टमर्स नीड इन द नियर फ्यूचर. शर्मिला कम्युनिकेटेड प्रोफेशनली एंड फॉलोड अप प्रॉम्प्टली विद ऑल रीजनल एंड लोकल कॉन्टैक्ट्स. शी वर्क टायरलेसली टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन नीडेड यूजिंग द डेटा शी हैड कलेक्टेड. शर्मिला वॉज एबल टू बिगिन अ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर. सो in this summary of the performance, the writer is praising the employee. The writer is telling the main attributes or the areas where Sharmila was very good at. So Sharmila, वो हमें बता रहा कि शर्मिला कहाँ कहाँ पर अच्छी थी. She was very good at gathering and compiling the data from other offices, and she was valuable customer for their project, and customers, she was very good at addressing the needs of the customers, and she will also be very good at this project in the future as well. And does mean she will be very good at addressing the needs of the customer in the future as well. So she was very professional and she had all the contacts of the customer. She used to keep the contacts of the customer. She used to work tirelessly throughout her time, and she and the data actually she collected was very valuable, and it would be very beneficial. It will be very valuable and beneficial to kind of begin a preliminary draft recommendation for the future. Does mean it will give a great deal of data to judge or evaluate her performance. Next heading under the second part of the report is characteristics of effective performance. So हमें writer actually बता रहा है कि उसकी performance को कैसे measure किया जा सकते हैं, how to quantify or the performance of Sharmila. यानी उसे किसी ना किसी shape में तो बताना है. तो उसने ऐसे किया हुआ है कि इसको divide किया हुआ है characteristics of performance को तीन चीज़ों में, exceeds expectations or meets expectation or does not meet expectation. जहाँ पर शर्मिला उसकी expectation जो उससे लगाई गई हैं उसको exceed करती है, तो उसके लिए the writer used, the author of the report used doubly. एंड जहाँ पे वो उसको सिर्फ मीट कर रही है, एक्सीड नहीं कर रही, उससे ज़्यादा बढ़ के नहीं परफॉर्म कर रही, तो उसके लिए द आथर ऑफ द रिपोर्ट यूज्ड एमी यानी मीट्स एक्सपेक्टेशन. और जहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशन प्रोजेक्ट की या कंपनी की मीट नहीं करती, तो उसके लिए दे रोट डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन, डज मीन डी एन एम ई. तो हेयर उसकी अगर अब नेक्स्ट क्वालिटीज़ में आते हैं, तो क्वालिटीज़ के लिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है. डज मीन फॉर द लीडरशिप स्किल्स, शर्मिला के लिए उसने लिखा हुआ है एम ई. डज मीन के लीडरशिप स्किल्स उसकी एम ई उसकी मीट करती है एक्सपेक्टेशन को जो उससे तौक़ात थी. यानी शर्मिला डेमोंस्ट्रेटेड लीडरशिप इन हर एबिलिटी टू पुट टुगेदर कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड इफेक्टिवली यूज इट इन गैदर इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर अ प्रोजेक्ट. यानी उसने अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया, इफेक्टिवली यूज़ किया, और इन्फॉर्मेशन ये यूज़ करते हुए उसने इन्फॉर्मेशन गैदर की इस प्रोजेक्ट के लिए जो नेसेसरी थी. ओके, उसकी कम्युनिकेशन स्किल की तरफ आते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी द अथर ऑफ द रिपोर्ट यूज्ड एम ई. डज मीन शी मीट्स एक्सपेक्टेशन, जो तौक़ात है उसको पूरा उतरती है. उसके लिए शर्मिला का कहता है कि शर्मिला कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली विद अदर ऑफिसर्स एज रिक्वायर्ड ऑल द डेटा इन सच अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. कहते हैं कि उसने जब बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में इतना डेटा कंपाइल किया, डज मीन उसने बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया बाकी ऑफिसर्स के साथ. ओके, इनिशिएटिव उसने यानी इनिशिएटिव उसने कितना हर काम में पहल करती थी, स्टार्ट करने में उसकी दिलचस्पी होती थी, उसके लिए भी एम ई है. डज मीन शी मेट द एक्सपेक्टेशन. शर्मिला शोड इनिशिएटिव व्हेन शी बिगेन एनालिसिस एंड अ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर यूजिंग द डेटा शी हैड कलेक्टेड. कहते हैं कि जब भी वो फ्यूचर में कोई ड्राफ्ट बनाना होता था रिकमेंडेशन के लिए, तो हमेशा पहल करती थी, इनिशिएट करती थी जो भी डेटा उसने कंपाइल किया होता था उसकी मदद से या उसकी बेस पे. टीम वर्क स्किल्स की तरफ आते हैं, तो हाउ गुड शी वॉज एट द टीम इन टीम वर्क. तो इसके लिए द राइटर यूज डबली. डज मीन शी इवन एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन, यानी एक्सपेक्टेशन से बढ़ करके उसने काम किया.
Sharmila did a very good job of working with other officers and administrative staff this summer. Her ability to get along with others and to convince others to work showed true team spirit. यानी उसने बहुत ही अच्छे तरीके से बाकी ऑफिस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसने टीम वर्क किया और उसने ये अपनी एबिलिटी शो यूज करते हुए बाकी लोगों को कन्विंस किया और अपनी ट्रू स्पिरिट दिखा करके एक अच्छा वर्क उस कंपनी में किया। यानी अभी तक शर्मिला को ओवरऑल प्रेज किया जा रहा है और शर्मिला की तारीफ़ की जा रही है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स उसकी देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में भी डबल ही है। डज मीन शी एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। शर्मिला कहते हैं कि वाज एबल टू मैनेज अ टाइम वेल, बहुत अच्छा उसने टाइम यानी मैनेज कर सका और डेडलाइन अपनी टाइम पे करती थी, अपना सारा काम इन टाइम मुकम्मल हो जाता था। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। यानी ये सेकेंड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट में आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है। अब लेट्स मूव टू आवर अटेंशन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट विच इज़ रिकमेंडेशन। पिछली रिपोर्ट जो हमने की थी उसमें रिकमेंडेशन यानी थर्ड पार्ट नहीं था, सिर्फ देर वर टू पार्ट्स रिपोर्ट कंप्राइज ऑफ ओनली टू पार्ट्स। वेयर एज हेयर इन दिस रिपोर्ट यानी एम्प्लॉय विच इज़ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी एम्प्लॉय के किसी के परफॉर्मेंस के जो बताते हैं उसमें वी हैव थ्री पार्ट्स। सो थर्ड पार्ट इज़ रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर। अब जाहिर है द इंफॉर्मेशन विच वी हैव गॉन थ्रू अप टिल नाउ और विच वी हैव studied in the first two parts, we are going to make some assumptions, not only assumptions, sorry, we are going to make some recommendations for the future of the employee. Ni hum batayenge ki whether we should hire or extend the duration of the job of our job or we should terminate the contract of Sharmila. So most probably, of course, as she performed well in during her tenure in the company, obviously her contract is most likely to be extended. यानी हमें recommendation पहले guess कर लेते हैं कि ज़ाहिर उसने अच्छा perform किया होता है तो उसका contract भी maybe अब extend हो जाएगा। चलें देखते हैं क्या होता है। recommendation for the future, Sharmila's performance this summer shows promise. यानी उसके उसका जो परफॉर्मेंस थी बहुत आला उसने दिखाई है। इफ़ शी इज़ इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ परमानेंट एम्प्लॉय एट एक्स वाई ज़ेड कंपनी, आई रिकमेंड दैट शी कंप्लीट अ डिग्री एंड अप्लाई फॉर फुल टाइम पोजीशन दैट शी इज़ क्वालिफाइड फॉर। कह रहे हैं कि अगर उसने उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, अगर वो चाहती है कि फुल टाइम हमारी कंपनी के साथ रहे तो शी शुड कम्प्लीट अ डिग्री एंड अप्लाई फॉर द फुल टाइम जॉब। यानी वो डिग्री कम्प्लीट करके फुल करे। यानी हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, रिकमेंडेशन में यही होता है कि आप किसी को कोई रिकमेंड करती हैं चीज़, कोई इसकी कमी रह गई है वो बता रहे हैं, या कोई अगर उसको अब अच्छी चीज़ है या उसको कुछ अवार्ड दे रहे हैं वो भी आप रिकमेंड करते हैं उसको फ्यूचर में। यानी ये काम आप कंप्लीट कर लें उसके बाद आप इस काम के लिए अप्लाई करें, उसको डिग्री के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया गया कि आप कंप्लीट करें, अगर और कोई कमी रह गई है वो भी आप बताएंगे। सो जी नेक्स्ट, शी शर्मिला नीड्स टू वर्क ऑन हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स। कहते हैं कि उसको यहाँ पे भी थोड़ा काम करना चाहिए कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग पे और कस्टमर सर्विस स्किल्स पे भी थोड़ा उसको काम करना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन उसे दी जा रही है। और कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग कोर्स वुड बी वर्थ ऑफ टाइम। यानी अगर कस्टमर सर्विस कोर्स वो कर ले तो इट वुड बी वेरी गुड और बेनिफिशियल फॉर हर। यानी उसमें ये यहाँ पे भी उसे ये काम करना चाहिए। तो सो थर्ड रिपोर्ट में हमने थर्ड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट में हमने ये बताया कि यहाँ सर्कल में एक इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वही चीज़ जो हमने कर ली है कि द रिपोर्ट टेल्स व्हाट एक्शंस माइट बी टेकन इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन द डेटा इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट। यानी वो चीज़ हमें बताई गई है जो हमने पीछे डेटा ऑलरेडी रिपोर्ट में इंक्लूड था उसकी बेस पर भी हमने कोई रिकमेंडेशन की। ओके जी, सुपरवाइजर सिग्नेचर, एलेन वैलेस एंड एम्प्लॉय सिग्नेचर हो गए दोनों। डैट इज़ एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड पोस्ट द क्वेश्चन इन द ग्रुप ऑल on Google Classroom if you have any. Thank you so much.